भोपाल से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि बनारस से मुंबई जा रही फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत हो गई। यात्री की मौत के बाद से भोपाल में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो फिलहाल मौत का कारण अज्ञात है। अकासा एयरलाइंस की है फ्लाइट और आज सुबह वाराणसी से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह वाराणसी से मुंबई जा रही थी फ्लाइट और इसी बीच इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान भोपाल में फ्लाइट को रोका गया। तो आपको बता दें कि एक यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत हो गई जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो बनारस से मुंबई जा रही थी फ्लाइट और इसी दौरान जो है भोपाल में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई क्योंकि फ्लाइट में अचानक से एक यात्री की मौत हो गई और मौत का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि यात्री की जैसे ही मौत हुई उसके उसके दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर मौत का कारण क्या था। मौत का कारण फिलहाल अज्ञात बताया गया, लेकिन फिलहाल अगर इसके ऊपर कोई अपडेट है तो हमारे साथ साझा करें विवेक। देखिए राधा, दशरथ गिरी 60 वर्ष के थे और मुंबई से बनारस की ओर जा रहे थे और भोपाल में बीच में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इमरजेंसी लैंडिंग इस वजह से कराई गई क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक उस वक्त आ गया जब वो फ्लाइट में मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें इलाज के लिए हमदिया लेकर आया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल वहाँ उनके परिजन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद अब उन्हें बनारस शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल वो इलाज के लिए मुंबई से बनारस जा रहे थे, इस बीच उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, उनकी मौत हो गई। फिलहाल उन्हें हमदिया अस्पताल में रखा गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इसके बाद उन्हें बनारस भेजा जाएगा क्योंकि वो बनारस में रहने वाले थे और मुंबई बेसिकली वो हार्ट के इलाज के लिए गए थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई एरोप्लेन में और उन्हें तत्काल जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी मिली फौरन ही उन्हें यहाँ हमदिया शिफ्ट किया गया। तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग हुई, बाकायदा एयरपोर्ट ने प्रबंधन ने ध्यान में रखा और तत्काल वहाँ लैंड कराया गया और उन्हें हमदिया लेकर आ गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, फिलहाल उनके परिजन भी उनके साथ थे। अब वो यहाँ हमदिया में है, हमदिया में जैसी कागजी कार्रवाई पूरी होती है उन्हें बनारस के लिए रवाना कर दिया जाएगा। राधा जी, ठीक है विवेक, फिलहाल जो है फ्लाइट का क्या स्टेटस है विवेक, क्या फ्लाइट को वापस से रवाना किया गया है? बिल्कुल, इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद फ्लाइट को रवाना कर दिया है। सभी पैसेंजर्स वगैरह ने भी ये बात पूछी कि आखिर फ्लाइट को क्यों इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, तो इस वक्त उनको ये जानकारी दी गई कि यहाँ पे 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं दशरथ गिरी, उनको हार्ट अटैक आया है और यही वजह है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिलहाल बाकी जो तमाम सारे लोग थे उनको वापस भेज दिया गया है। राधा,